This curriculum was formulated by a multitude of people from different specialties. They had multiple different expertise. There were around 100 experts of different fields of anatomy, physiology, biochemistry, internal medicine, general surgery, as well as an 18-person working group of medical educationists for the University of Health Sciences. UMDC performed the role of collaborating with everyone, giving our campus as a host campus for initiating the launch of UHS. And also, we had our medical educationists working actively in the working and steering committee and developing important modules for the system. जो updated curriculum है वो बिल्कुल paradigm shift करने के लिए है, वो ही एक नया paradigm है, वो एक इनकलाब की तरफ जाएगा जो कि हमारे doctors को बेहतर से बेहतरीन बनाने की एक कोशिश है. हमारे students first year से इंशाल्लाह wards में जाएंगे, UHS की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है. फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स वार्ड में जाएंगे, वो सीखेंगे ना सिर्फ ये कि पढ़ाई कैसे होती है, बल्कि ये भी कि लोगों से बात किस तरह की जाती है, उनके साथ ताल्लुकात किस तरह बनाए जाते हैं वार्ड के अंदर, उनके साथ किस तरह तमीज़ और तहजीब के तकाजे पूरे किए जाते हैं बीइंग अ डॉक्टर. इसके अलावा वो फर्स्ट ईयर से डिजिटल एजुकेशन, जो कि इंटरनेट की तालीम आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में भी सीखेंगे. कुरान की तालीम का अलहदा से एक निसाब मुनक़द किया गया है जो इस्लामियात के अलावा है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. और मेरे ख्याल से ये नया निसाब जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा हमारी सारी नई नस्ल के लिए जो आगे इस मसीही फील्ड में आना चाह रहे हैं.